पांच खतरनाक चीजें, जान गए तो दोबारा नहीं खरीदोगे। और ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल हमारे घरों में किया जा रहा है और हम उसे बड़े ही चाव से खा भी रहे हैं। लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने फायदे के लिए हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, के बारे में बताएंगे, जिन्हें विदेशों में कई देशों ने बैन कर रखा है, लेकिन भारत में वो खुलेआम इस्तेमाल की जा रही है और आप सोच भी नहीं सकते कि उससे आपको कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे उससे लगता है कि ये फलों के जूस से भी ज्यादा एनर्जी दायक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। एक रिपोर्ट में पता चला है कि इसे ज्यादा पीने से दिल की बीमारी से लेकर तनाव तक हो सकता है। युवा इसे पीने में अपनी शान समझते हैं। अगर आपको भी ये बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर दो पर है दर्द निवारक डिस्प्रिन। ये दवाई विदेशों में कई मानकों पर खरी नहीं उतरी, इसलिए इस डिस्प्रिन की गोली को बैन कर दिया गया। उसी तरह दर्द में काम आने वाली निम्सोलाइड को ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में बैन कर दिया गया है, लेकिन भारत में अभी भी इसे किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से खरीद सकते हैं। अब आप कमेंट करके बताएं, क्या आप इन दवाइयों को खरीदना चाहेंगे? वो वहीं पर चिपक जाती है और उसे साफ करना आसान नहीं होता। तो सोचिए, अगर हम इस च्युइंगम को निगल जाएं तो क्या होगा। इसे देखते हुए सिंगापुर ने इस पर बैन लगा रखा है, लेकिन भारत में अभी भी एक कूल है और इसे खेल खेल में चबाना लोग अपनी शान को निगल लिया हो, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। नंबर चार, MSG। दोस्तों, हमारा मकसद किसी भी कंपनी का नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि मैगी नूडल में MSG होता है, जिसकी मात्रा शरीर में अधिक बढ़ जाए तो दिल से लेकर आंखों तक को नुकसान। तो होटल वाले भी अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए MSG का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें, MSG एक जापानी प्रोडक्ट है, और अगर आप भी MSG का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो इसे तुरंत आज ही छोड़ दें। इसे खाने से गले में फंसकर दम घुटने का खतरा रहता है, इसलिए अमेरिका ने इस पर बैन लगा दिया है। जबकि भारत में किंडर जॉय बच्चों को दिलाने में पेरेंट्स अपनी शान समझते हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता कि वो अपने करने वाली चीजों को भारत में बैन कर देना चाहिए। तो हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।